بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. पिछले वाले दर्स के अंदर हम यहाँ पर रुके थे। व तकरीबन मिन्हु हत्ता सारा खस असहाबिहि इंदहु मंज़िलतन, यहाँ तक बात हो चुकी थी। और पिछले दर्स के अंदर जो बात चल रही थी वो वही शत्रबा के बारे में, कि दिमना जब शत्रबा के शेर ने जब दिमना को शत्रबा के पास भेजा और वो शत्रबा को लेकर के आया, तो फिर शेर ने शत्रबा से सवाल किए कि भाई तुम कैसे आए यहाँ पर, कैसे आना हुआ। शत्रबा ने फिर अपनी पूरी कहानी, पूरी दास्तान बताई। फिर शेर उसे काफ़ी मुतासिर हुआ और फिर उसको अपना करीबी बना लिया और उसको कहा कि तुम हमारे साथ रहो। और फिर शत्रबा शेर का काफ़ी ज़्यादा करीबी बन गया कि शेर, यहाँ तक कि शेर क्या है उससे मशवरे लेने लगा और बहुत सारी चीज़ें क्या है उसके साथ करने लगा। और दिन ब दिन क्या है शेर उस शत्रबा से करीब तर होता गया। और ये सब चीज़ें देख करके दिमना को फिर हसद होने लगेगा। बात यहाँ से यहाँ पर चली थी, कह रहे कि हत असारा अखस असाबी इन दो मंजिलतन, यहाँ तक कि वो शत्रबा उस शेर के यहाँ उसके यहाँ मौजूद उसके दोस्तों में कदर मंजिलत के अतबार से सबसे ज़्यादा ख़ास आदमी बन गया। इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से बात चलेगी, आज का जो दर्स है हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। और पहले मैं इसकी इबारत पढ़ता हूँ। कह रहे हैं फ़लम मारा दिमनतु अन ثورا قد اختص بالأسد دونه ودون أصحابه وأنه قد صار صاحب رأيه وخلواته ولهبه حسده حسدا عظيما وبلغ منه غيظه كل مبلغ فشكى ذلك إلى أخيه كليلة وقال له ألا تعجب يا أخي من عجز رأيي وصنعي بنفسي ونظري فيما ينفع الأسد وأغفلت نفع نفسي حتى جلبت إلى الأسد ثورا غلبني على منزلتي قال كليلة أخبرني أن رأيك وما تريد أن تأزم عليه في ذلك قال دمنة أما أنا فلست اليوم أرجو أن تزداد منزلتي عند الأسد فوق ما كنت عليه ولكن ألتمس أن أعود إلى ما كنت فإن أمور ثلاثة العاقل جدير بالنظر فيها والاحتيال لها بجهدي منها النظر فيما مضى من الضر والنفع فيحترس من الضر الذي أصابه فيما سلف لئلا يعود إلى ذلك الضرر ويلتمس उसके बाद है وَيَلْتَمِسُ النَّفْعَ الَّذِي مَضَى وَيَحْتَالُ لِمُعَاوَدَتِهِ وَمِنْهَا النَّظَرُ فِيمَا هُوَ مُقِيمٌ فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ وَالِاسْتِيسَاقُ بِمَا يَنْفَعُ وَالْهَرَبُ مِمَّا يَضُرُّ وَمِنْهَا النَّظَرُ فِي مُسْتَقْبَلِ مَا يَرْجُو مِنْ قِبَلِ النَّفْعِ وَمَا يَخَافُ مِنْ قِبَلِ الضُّرِّ لِيَسْتَتِمَّ مَا يَرْجُو وَيَتَبَقَّى مَا يَخَافُ بِجُهْدِهِ। काफ़ी बात लंबी है, फिर इस आते ही इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर जो बात चल रही थी, कह रहे हैं कि फ़लम मा रा दिमनतु अन ثورا قد اختص بالأسد دونه ودون أصحابه وأنه قد صار صاحب رأيه وخلواته ولهبه حسده حسدا عظيما فلما رأى دمنته। फिर जब दिमना ने देखा ये कि बैल उसके अलावा और उस शेर के साथियों के अलावा शेर से या शेर का ख़ास आदमी बन गया है, और ये कि वो यानी कि शत्रबा उसकी राय का साथी हो गया है, साहिब राय ही उसके राय का
साथी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उसको मशवरा देने वाला हो गया है, उसको साहिब और राय यानी कि मशवरा देने वाला। तो वह अनहू कदसार साहिब राय ही, और ये कि वो यानी कि शत्रवा शेर का मुशीर बन गया है, एडवाइज़र बन गया है, मशवरा देने वाला बन गया है। वह साहिब खलवात ही, और तन्हाई का साथी बन गया है। तो साहिब मुजाफ़े और राय ही क्या है, ये मातूफ अलैह है, और खलवात ही वलहवी ही ये तीनों क्या है, खलवात ही इस पर मातूफ है और लहवी ही खलवात ही पर मातूफ है। तो इस तरह से राय ही व खलवात ही वलहवी ही तीनों आपस में क्या है, मातूफ अलैह और मातूफ होकर के फिर ये मुजाफ अलैह हो जाएंगे साहिब का। तो वह अन्नहु कद सारा साहिब राय ही, और ये कि वो हो गया है यानी कि शत्रबा हो गया है उसके, उसका मशवरा, उसको मशवरा देने वाला, उसके राय का साथी यानी कि उसको मशवरा देने वाला, और उसके खलवत का साथी यानी कि उसका तन्हाई में उसका साथी हो गया, और उसके खेल कूद यानी कि लहु लईब के टाइम पर भी उसका साथी हो गया है। तो बात ऐसे हो जाएगी कि वो उसकी उसको राय देने वाला, उसके तन्हाई का साथी और उसके खेलकूद का साथी बन गया है। तो हसदहु हसद नाजीमन, तो दिमना ने उस शत्रबा पर बहुत ज़्यादा हसद किया। यहाँ पर अगर हम जुमले की सेटिंग देखते हैं फिर इसका मफहूम और ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं लम्मा, ये फा अत्फ है और उसके बाद क्या है, यहाँ पर लम्मा आया हुआ है, और ये लम्मा यहाँ पर शर्तिया है, लम्मा अदात शर्त है, तो इसका जुमले शर्त आएगा, और दूसरा क्या है, इसका जुमले जज़ा आएगा। इस लम्मा का जो जुमलतुल जज़ा है यहाँ पर है ये हसदहु हसदन अजीमन, यही सिर्फ ये क्या है, इस लम्मा का जज़ा है। लम्मा की जो शर्त है उसके बाद यानी कि हसदहु हसदन अजीमन से पहले जो भी इबारत है वो पूरा लम्मा का शर्त है। कैसे लम्मा का शर्त है, ऐसे है कि लम्मा के बाद फेल है रा, फलम्मा रा दिमनतु, रा फेल है यहाँ पर और दिमनतु उसका रा का फाइल है, और उसके बाद क्या है, देखा, रा दिमना, तो दिमना ने देखा। उसके बाद जो है फिर आगे जो बात आए कि ये रा का मफूल भी बनेगी, कैसे बनेगी, यहाँ पर है अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लयता लाला, ये हरफ मुशब्बा बिलफेल है, तो ये अन्नसौरा, अन्ना यहाँ पर हरफ मुशब्बा बिलफेल है, तो उसका इस्म होगा और उसकी खबर होगी। तो यहाँ पर इसका इस्म अगर हम देखेंगे तो ये अस्सौरा अन्ना का इस्म है। अन्ना की खबर क्या है, कद इख्तस्सा बिल असदी दूनहु व दून असहाबिही, तो ये पूरा का पूरा जुमला जो है ये अन्ना की खबर वाक़ है। और यहाँ पर फिर एक बार हम देखेंगे कि अन्नसौरा कद इख्तस्सा बिल असदी दूनहु व दून असहाबिही, तो यहाँ पर अन्ना क्या करेगा, अपने इस्म और अपनी इस खबर को ये मुफरद बनाएगा यानी कि मस्दर की तावील में कर देगा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि अन, और जैसे कि अन फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो, या फेल माजी पर भी दाखिल होता है तो उसको क्या करता है, मस्दर की तावील में कर देता है यानी कि उसको एक मुफरद कलिमा बना देता है। ऐसे ही अन्ना जब जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है तो इस मुक्तदा और ख़बर को सबको मिला करके एक मस्दर यानी एक मस्दर की तावील में कर देगा यानी कि उसको उसको मस्दर बना देगा, और दूसरे मानों में कहें तो ये मुफरद बिर बन जाएगा। तो ये क्या है, मस्दर मुअव्वल हो जाएगा, पहला वाला अन्नसौरा कद इख्तस्सा बिल असदी दूनहु व दून असहाबिही, ये मस्दर मुअव्वल बन जाएगा। और उसके बाद वा हर्फ अत्फ है, उसके बाद एक अन्ना और है यहाँ पर अन्ना, तो वह अन्नहु कद सारा साहिब राय व खलवातिही व लहवीही, तो यहाँ भी एक अन्ना है और अन्ना के बाद यहाँ भी अन्ना है, तो ये भी उर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से है, और ये भी क्या है कि इस्म को चाहेगा और ख़बर को चाहेगा। तो यहाँ भी इसका जो इस्म है या हो की जहा की ज़मीर जो इसके साथ लगी हुई है यही अन्ना का इस्म है, और अन्ना की खबर यहाँ पर है, यहाँ भी एक पूरा जुमला है जो कि अन्ना की खबर है यानी कि कद सारा, सारा यहाँ पर फल नाक्सा में से कद सारा, और हुआ जो इसके अंदर ज़मीर है ये उसका इस्म है, और साहिब यहाँ पर जैसे कभी पहले मैंने बताया था कि साहिब यहाँ पर मुजाफ है, और राय ही ये मुजाफिला है यानी कि राय ही ये बताते हैं खुद मुजाफर मुजाफिला है, तो ये मुजाफर मुजाफिला होकर के फिर ये मुजाफिला बनेगा साहिब का, और साथ साथ में राय ही ये मातूफ अलैह बन जाएगा वाव हरफियत, और खलवात ही ये मुजाफ और मुजाफ अलैह मिल करके ये मातूफ बन जाएगा राय ही पर, और साथ में फिर ये मातूफ अलैह बनेगा और वाव हरफियत पे, और लह भी ही जो है ये फिर मुजाफ और मुजाफ अलैह होकर के ये मातूफ बनेगा खलवात ही पर। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये मातूफ अलैह मातूफ मिल करके ये मातूफ हो जाएंगे इस
मातू फले पर, और ये मातू फले और इस मातू से मिल करके ये मुजाफिले हो जाएगा साहिब का। तो साहिब रही व खलबात ही व लहवी ही, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सारा की खबर हो जाएगी। अब कद सारा पर यहाँ पर कद दाखिल है, तो कद सारा ये फेल फेल नाकिस अपने इस्म और इस खबर से मिल करके ये फिर एक जुमला बन जाएगा, और ये जुमला फिर ये जुमला जा करके अन्ना की खबर वाक़ होगी। और यह खबर क्या है, रफ के महल में होगी, क्योंकि ये अन्ना की खबर है। तो यहाँ पर फिर क्या है, अन्ना क्या करेगा, अपने इस्म और अपनी इस लंबी खबर को सबको क्या करेगा, मस्दर बनाएगा, यानी कि मुफरत की तावील में करेगा, यानी कि मस्दर मुअव्वल बना देगा। और मस्दर मुअव्वल क्या होता है, मुफरत होता है। तो ये क्या है, एक मस्दर मुअव्वल है और एक मस्दर मुअव्वल यहाँ पर है, अन्ना थौरा कद इख्तस्सा बिल असद दूनहू व दून असहाबिही। तो ये और आप फिर देखेंगे तो क्या होगा कि अन्ना थौरा कद इख्तस्सा बिल असद दूनहू व दून असहाबिही, ये क्या हो जाएगा, मातूफले हो जाएगा, यानी कि ये जो मसर मोवल है मातूफले हो जाएगा, और वाव हरफ़ अत्फ़ और उसके बाद ये दूसरा जो मसर मोवल है ये मातूफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये मातूफले और मातूफ ये फिर मिलकर के ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मफूल भी ही हो जाएंगे रा फेल का। और ये रा यहाँ पर जो है ये रा बसरिया है, रा कल्बिया नहीं है, रा कल्बिया होता तो दो मफूल चाहता। तो यह रहा रा यहाँ पर यह बसरिया, यानी कि जब दिमना ने देखा सारा मंजर देखा, तो यहाँ पर ये रा बसरिया है, और इसके बाद इसलिए जो है अन्ना ये दोनों जो है मातूफ अलैह मातूफ वगैरह के ये इसका मफूल भी हो जाएंगे, फी महल नस्ब हो जाएंगे, यानी कि नस्ब के महल होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लफ्ज़न मफूल का एराम नहीं दे सकते। तो इस तरह से हो जाएगा। और अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो रा फ़ेल और दिमना तो फ़ाइल, और उसके बाद अन थौरा कद इख्तस्सा बिल असद दूनहू व दून असहाबिही व अन्नहु कद सारा साहिब रायही व खलबातिही व लहवीही। तो ये पूरा का पूरा रा से लेकर के यहाँ लहवीही तक ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जुमलतु शर्त हो जाएगा, जुमलतु अशर्त, क्योंकि यहाँ पर लम्मा शर्तिया के अदात शर्त आया हुआ है। अब यहाँ जो है हसदहु हसदन अज़ीमन, ये जुमलतुल जज़ा हो जाएगा, हसदा फेल हो जाएगा, और उसके अंदर जो हुआ की ज़मीर है ये इसका फ़ाइल हो जाएगी, जो कि लौटेगी दिमना की तरफ, और हु की ज़मीर ये मफूल भी हो जाएगी, जो कि शतरबा की तरफ लौट रही है। अय हसदा दिमना तो शतरबता, तो दिमना ने शतरबा से हसद किया, हसदन अज़ीमन, और ये मफूल मुतलक है, हसदन ये मस्दर है और साथ साथ में इस अज़ीमन इसकी सिफत है, तो ये मौसू सिफत है, और ये क्या है, मस्दर है, यानी कि मस्दर यानी कि मफूल मुतलक है हसदा फेल का। तो हसदहु हसदन अज़ीमन, ये जुमलतुल जज़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जुमला जो है इसकी इस तरह से सिटिंग है, कहें कि वह हसदहु हसदन हसदन अज़ीमन व बलगा मिनहु गैज़हु कुल्ल मबलग। ये जो दूसरा जुमला एक और है, ये हसदहु हसदन अज़ीमन, ये दूसरा जुमला इस पर मातूफ, तो हसदहु हसदन अज़ीमन ये मातूफ अलैह हो जाएगा, वाव हरफ़ अत्फ़ बलगा मिनहु गैज़हु कुल्ल मबलग, ये जुमला मातूफ इस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मातूफ अलैह और मातूफ ये दोनों मिल करके ये फिर जज़ा बन जाएंगे लम्मा शर्तिया का। और अब आते हैं इस जुमले का कहना है कि वह बल अमिन हो गई जुहू कुल्ल मबलग, और उसकी जानिब से उसका गुस्सा अपनी, यानी कि लफ्जी माना कि हर पहुंचने वाली जगह पर पहुंच गया, यानी कि उसकी जानिब से, यानी कि वबल अमिन हो गई जुहू, मीन हो में ज़मीर जा रही है दिमना की तरफ, तो वबल अमिन हो यानी कि और उस दिमना की जानिब से उसका गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया, यानी कि बिल्कुल वो आग बबूला हो गया, ये देख करके कि अभी तो मैं शेर का बहुत ही ज़्यादा करीबी बना था और मैंने शेर की परेशानी को हल करना चाहा था, और मैं इसको लेकर के आया शत्रुबा को, अभी शत्रुबा क्या है, इसने क्या है मेरी जगह ले ली, अब मैं जो है नीचे आ गया और ये क्या है ऊपर हो गया। तो ये सारा मंजर देख करके वबा लगा मिन हो गई सूहू कुल मबलग, और उसकी जानिब से उसका गुस्सा अपनी इंतहा को पहुँच गया, ये मफहूम है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुल्ल मबलग, अगर इसको नावी देखें तो बलगा फेल हो जाएगा, मिनहु मुतालिक हो जाएगा इसी बलगा से, गैज़हु जो है ये मुजाफर मुजाफिल होकर के बलगा का फ़ाइल हो जाएगा, कुल्ल मबलगिन बलगा कुल्ल मबलगिन, कुल्ल मुजाफ है और मबलग मुजाफिल है, और ये मुजाफर मुजाफिल मिल करके ये ज़र्फ़ हो जाएंगे बलगा फेल का। तो बलगा फेल और अपने मुतालिक अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ से मिल करके ये जुमला फेलिया होगा, जो कि हसदहु हसदन अज़ीमन पर मातूफ है, और ये दोनों क्या है विद जज़ा हो जाएंगे लम्मा का। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहा है फशा का ज़ालिका इला अखीही कलीलता, फिर उस फशा का ज़ालिका, फिर उसने इस चीज़ की शिकायत अपने भाई कलीला से की, किसने शिकायत की, दिमना ने, फशका आई फशका दिमना, तो शका के अंदर हुआ कि ज़मीर है जो कि दिमना की तरफ लौट रही है, यानी कि दिमना ने शिकायत की ज़ालिका इस चीज़ की, अय ज़ालिकल मस्कूर इस तमाम मामले की, कि जो है वो शेर को लेकर के ये शत्रुबा को लेकर के आया, फिर शेर से मिलाया, फिर जो है वो शेर से इतना ज़्यादा करीब हुआ कि अब दिमना पीछे छूट गया, तो ये सारी चीज़ को
इस दिमना ने जिक्र किया अपने भाई कलीला से, फशका शिकायत की, फशका जालिका, तो फिर दिमना ने इस चीज की शिकायत की अपने भाई कलीला से। तो अखीही यहाँ पर क्या है, इला हफिजर, अखीही क्या है, ये मुजाफ और मुजाफिल, अखीही मुजाफ और मुजाफिल होकर के मजरूर है इला हफिजर का, और असमा सितम कबरा में से है, इसलिए ये हालत जर में या के साथ आया हुआ है, और या साथ में ये मजरूर है, और कलीलता जो है ये इसी से बदल है, अखीही से बदल है कलीलता, कलीलता ये अखीही से बदल है। अभी फिर जो है कलीलता आ गया तो इतना वाजे होगा कि कलीलता जो है ये बदल है, तो मुबदल मीनू और बदल का इराब एक होता है। अखीही यहाँ पर क्या है, ये मजरूर है, यानी कि और मजरूर किस चीज़ के जरिए से है, कसरा के जरिए से मजरूर नहीं है बल्कि मजरूर भी लिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हरकत जो हरकत कभी क्या है, कभी हरकत के जरिए से मतलब एराब, कभी हरकतों के जरिए से दिया जाता है, और एराब कभी हरूफ के जरिए से दिया जाता है। कुछ जगह हैं जहाँ जहाँ एराब बिल हरूफ होता है, जैसे कि तस्निया है, जब जिक्र सालिम है, गैर मुनसरिफ पर, बहुत सारी चीज़ें जो नौ की किताबों में क्या है, ये बहस आई होगी और शायद आ चुकी होगी। तो यहाँ पर जो है कि मजरूर बिल हर्फ है, यानी कि या के जरिए से, और यहाँ पर कलीलता जो है तो यहाँ भी इसको भी मजरूर होना चाहिए, यानी कि कसरा के जरिए से मजरूर होना चाहिए कलील, लेकिन ये चूंकि ये गैर मुनसरिफ है इसलिए क्या है, ये हालत जर में फतह के साथ आएगा। तो इसने उस चीज़ की शिकायत अपने भाई कलीला से की, वकाल लहू, और उसने कहा, किसने कहा, दिमना ने उससे कलीला से कहा, अला ताजबू, क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा है, या अखी, ए मेरे भाई, तो अला ताजबू, क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा है, या अखी, और ये मुनादा हरफ निदा और मुनादा है, या हरफ निदा है, और अखी क्या है, ये मुनादा है, मुनादा यहाँ पर क्या है, मुजाफ है और मंसूब है, और कैराब अखबर क्या है, नस्ब कैराब जाहिर नहीं हुआ है कि उसकी इसके आखिर में यह है जिसकी तरफ वो मुजाफ है, तो अखबर क्या है, गोया कि नस्ब जो है यानी कि फतहा जो है यहाँ पर मुकद्दर है खा पर, और जाहिर नहीं हुआ है क्योंकि या ने क्या है उस जगह को ऑलरेडी ले लिया है, यानी कि या जो है कसरा वहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मुकद्दर है। तो यह आखिर क्या है, ये हरफ निदार मुनादा हो गया, मिन अज़ से राय, मेरी राय की बेबसी से, यानी क्या है कि अपनी उसने एक राय, जितना ने अपनी जो एक राय जाहिर की कि शेर के सामने कि मैं उसको लेकर के आऊँगा, ये जो राय है कितनी मजबूर राय थी कि जिसने क्या है, जो राय दिमना ने क्या है जाहिर की, तो कह रहा है कि अला ताजबू, क्या तुम्हें पता नहीं ऐ मेरे भाई मेरी राय की बेबसी से, वसुनी बेनफसी, और अपने तई मेरे कारनामे से, यानी कि जो कारनामा मैंने कर दिखाया है, ये जो मैंने गुड़ खिला दिए हैं अभी कि मतलब ये दशरबा को मैं ले आया और अपने ऊपर मैंने मुसीबत ले आई, तो अपने तई मेरे इस कारनामे से, व नजरी फीमा यनफाओ, और मेरा देखना फीमा, या मेरा गौर व फिक्र करना फीमा, एक ऐसी चीज़ में, यनफाओ अल असदा, जो चीज़ शेर को फ़ायदा दे, वह अगफल तू, और हाल इस और इस हाल में कि मैंने क्या है अपने नफ्स के फ़ायदे को, क्या अपने नफ्स के फ़ायदे से मैं गाफिल रह गया। तो यहाँ पर वो तीन चीज़ जिक्र करा है, करके अल्लाह ताजबू, क्या तुम्हें ताजुब नहीं हो रहा है ऐ मेरे भाई मेरी राय की मजबूरी से, मेरी मजबूर राय से, मेरी राय की बेबसी से, और अपने तई मेरे कारनामे से, और मेरे गौर फिक्र से, एक ऐसी चीज़ में जो क्या है शेर को फ़ायदा दे, और इस हाल में कि मैंने क्या है अपने नफ्स के फ़ायदे को क्या है या अपने नफ्स के फ़ायदे से मैं क्या है गाफिल रह गया। हत्ता जलब, तो यहाँ तक कि मैं ले आया शेर तक, जलब एजरबो मैंने क्या है खींच कर लाना, हत्ता जलब, तो यहाँ तक कि मैं ले करके आया शेर तक, सौरन एक ऐसे बैल को, गलब बनी, जो मुझ पर गालिब आ गया, गलब बनी अला मंजिलती, यानी कि जो मुझ पर मेरे रुतबे पर गालिब आ गया, मुझ पर गालिब आ गया यानी कि मेरे कदर रुतबे पर, मेरी क्या है पोजीशन पर, मेरे पोस्ट पर क्या है गालिब आ गया। तो यहाँ तक ये बात जो है ये कह रहा है, तो एक बार फिर इसका माना कह रहा है, तो कहने के कलीला ने फ़काल लहू, और दिमना ने उस कलीला से कहा कि क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा है ऐ मेरे भाई मेरी राय की बेबसी से, और अपने तई और मेरे तई या अपने तई मेरे किस कारनामे से, और मेरे फैसले से, एक ऐसी चीज़ के अंदर जो शेर को फ़ायदा पहुँचाए, हालांकि मैंने क्या है अपने नफ्स के फ़ायदे को, जबकि मैंने क्या अगफल तो, जबकि मैंने क्या है अपने आप के फ़ायदे को, अपने आप के फ़ायदे से क्या है गाफिल हो गया, यहाँ तक कि मैं शेर तक ले करके आया एक ऐसे बैल को
जो मुझ पर गालिब आ गया, यानी कि मेरी कदर व मंजिलत पर क्या है वो गालिब आ गया। तो ये इसका मफहूम है। यहाँ पर अपनी क्या इसी बेबसी को जाहिर कर रहा है अपने भाई खलीला से कि तुम देखो मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया है, कितना गलत फैसला किया है, तुम्हें क्या है इससे ताज्जुब नहीं हो रहा है और तुम मुझे कोई मदद करो, तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है कह रहा है। तो अब आगे फिर जो है कलीला, उसके बारे में आगे जो बात कलीला करेगा उससे जो है, और कहेगा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। तो बहरहाल यहाँ तक जो है इतनी बातें हैं, हमने इतनी पढ़ी हैं और इसके बाद फिर आगे वाला 10 में आगे चीज़ें